नमस्ते भारत। चिराग पटेल किसान पाठशाला से फिर बाम्बू फार्म की ओर। यहाँ पर टुल्डा वेराइटी का वावेतर किया हुआ है, तकरीबन 45 बीघे के आसपास में है। और इंटरक्रॉप के अंदर में सरसव रायडा जिसको कहते हैं वो लिया हुआ है। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स बाय चांस फार्मर से जो हो रही है वो आज दिखाने का प्रयत्न है आपको, कि आप भी अपने खेत के अंदर में टाइम मैनेजमेंट जो है उसको प्रॉपर ढंग से करिए और इंटरक्रॉपिंग का चुनाव जो है वो भी प्रॉपर ढंग से करिए। यहाँ पर ये बांस का पौधा दिख रहा है अपने को, वैसे आगे एक बीच में फेल हो गया है पौधा, फिर ये बाम्बू का जो है वो बांस का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। साइड में इंटरक्रॉपिंग के अंदर में लिया हुआ है सरसों को। अब सरसों जो है वो फास्ट ग्रोथ होने वाली वैरायटी में से है और शॉर्ट पीरियड वाली वैरायटी में से है, तो उसकी हाइट जो है वो बाम्बू के मुकाबले, बाम्बू की जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले बाम्बू छोटा रह गया है और सामने सरसव जो है वो हाइट में बड़ा हो गया है, जिसके कारण ये हमने साइड देखी थी बीच के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी इंटरक्रॉपिंग के अंदर में बांस लगे हुए होंगे उसको जो धूप मिलनी चाहिए वो कम धूप मिलने के कारण मोर्टालिटी का जो है वो रेशियो ज़्यादा आता है। ये ना हो उसके लिए हमें ख़ास तौर पे जो चीज़ की ध्यान रखना है वो इंटरक्रॉप हम क्या करें और वो इंटरक्रॉप कितनी दूरी पे करें, ये ध्यान देना सबसे ज़रूरी रहेगा। और बांस जो साइज़ में बढ़ता है वो क्या टाइम से बढ़ता है वो हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा पौधा हम लगा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये पौधा यहाँ पर ज़िंदा है, आगे दूसरा पौधा भी ज़िंदा है, बीच में एक पौधा फेल हो गया है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये प्लांट फिर से जिंदा है। तो आज ये प्लांट की खुद की एज जो है वो गिनती करें तो ये 3 फीट 2.5 फीट के आसपास का हाइट है और 5 साढ़े 5 फीट की हाइट जो है ये राई की हो गई है। तो इसके कारण इंटरक्रॉपिंग में हमें जो इनकम मिल रही है अगर वो सही है और सामने बांस की इनकम अपने को नहीं दिख रही, तब तो ये फार्मर का फार्मिंग जो है ओके है। यदि हम बांस के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन हमने सिर्फ खेत जो है किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, जस्ट बांस को पानी मिल जाए और बीच में वो अपने हिसाब से अपना खेत तैयार कर ले, तो इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन जो है उसको रायडा की इनकम मिलेगी, जो बांस जिसने भी लगाया है उसको सभी तरफ से लॉसेस रहता है। तो आप जब भी चुनाव करो साइज़ का तब ध्यान रखो, जब इंटरक्रॉपिंग वैरायटी का चुनाव करो तब भी ध्यान रखो कि बांस से ऊपर वो वैरायटी फास्ट ग्रोथ में ना चली जाए। यदि बांस से फास्ट ग्रोथ में ही वैरायटी जा रही है तो बीच में हम जितना भी इंटरक्रॉप ले रहे हैं उसकी साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर लो। वो अगर हम 3 लाइन लगा रहे हैं तो 2 लाइन लगाओ ताकि बीच में धूप आती रहे, और बारिश के सीज़न में जब भी खपतवार को निकालना ज़रूरी रहता है उस टाइम पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी न्यूट्रिशन बांस का जो है वो इंटरक्रॉपिंग बीच में ले लेगी और बांस जो है वो गति धीरी हो जाएगी उसकी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी हमें आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहिए किसान पाठशाला से और सीखते हैं साथ में मिलके और सिखाते हैं एक दूसरे को। थैंक यू वेरी मच।